हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पेज लेआउट मेनू के कुछ ऑप्शंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले पेज लेआउट में हमें पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कलर कैसे सेट करना है, थीम उम यहाँ से हम थीम सेट कर सकते हैं अपने जो भी हमारा पेज है। पेज की स्टाइल के अंदर ये देखो डिफरेंट डिफरेंट थीम दिया हुआ है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर एंड फॉन्ट इफेक्ट दे सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज ये सब देखा था। ब्रेक होता है पेज ब्रेक करने के लिए, इंसर्ट पेज ब्रेक, अगर हम कहीं भी इस सेल पे क्लिक करके उस पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा, अदर पेज में चली जाएगी। इसे हमें अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना है बैकग्राउंड। ठीक है, तो अगर हम अपने पूरी सीट में कोई बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, फिर पूछेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम वर्क ऑन ऑफलाइन पे क्लिक कर देंगे। तो हमें हमारा एक इमेज इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको एक इमेज दे दे रहे हैं। तो हमने एक इमेज पे क्लिक कर दिया और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देख रहे हो पेज पेज के बैकग्राउंड में हमारा इमेज आने लगा। ये देखो कहीं भी हम नीचे आएंगे तो भी, कितना भी नीचे चले जाएंगे, हम हमारा बैकग्राउंड उस पेज के हिसाब से आता रहेगा। ये देखिए, ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल जेड से हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज के अंदर बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हैं। इसके बाद हम प्रिंट करते समय प्रिंट टाइटल यहाँ से दे सकते हैं और यहाँ से प्रिंट की एरिया को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेट प्रिंट एरिया, तो ये चूंकि हमने एक सिलेक्ट किया था सिंपल, यहाँ से सिलेक्ट करके हम प्रिंट एरिया दे सकते हैं, राइट। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये जो ऑप्शन है विड्थ, हाइट एंड स्केल। ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ही रहता है, दोनों अपडेट ही रहता है। प्रिंट निकालते समय हमने आपको इसको बताया था कि कैसे सेटिंग करनी है इसकी। ठीक है, अगर यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट वन पेज दे देंगे तो प्रिंट निकालते समय उसको हम कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, वन पेज ही में ही निकलेगा हाइट विड्थ दोनों। ठीक है, यहाँ से हाइट विड्थ अगर हम वन पेज दे देंगे तो इसका जो स्केचल होगा, इसको अगर हम वन पेज दे दें तो ये देखो स्केचल जो है इसका स्केल वो डिम्ड हो जाएगा। इसको भी वन पेज दे देते हैं तो ये डिम्ड हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। आप लोग को इसको हमेशा ऑटोमेटिक करके सेलेक्ट, जैसे करके हमने पिछले वीडियो में बताया था कैसे प्रिंट निकालना है, वैसे हमें सब प्रिंट निकाला जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसके अंदर ग्रिड लाइंस। तो फ्रेंड्स, हमने बताया ये जो लाइन दिख रही है एक्सेल की लाइन है, को हम ग्रिड लाइन कहते हैं। यहाँ पे जो हमने ब्लैक बॉर्डर दे दिया है, इसको तो हमने होम मेनू में से जा करके ब्लैक बॉर्डर दिया है तब यहाँ पर आ रही है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, लेकिन ये ग्रिड लाइन को अगर हमें शो करना है, हाइड करना है, ठीक है, तो हम आते हैं फॉर्मूला यहाँ पे पेज लेआउट मेनू के अंदर। ये देखो ग्रिड मेनू में व्यू का जो ऑप्शन है वह चेक है। जब यह ऑप्शन चेक रहेगा तब आपको ये जो सेल वाली लाइन दिख रही है, यहाँ पे कहीं हम क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो लाइन दिख रही है चारों तरफ बॉक्स के डब्बा, तब वो शो होगी। जैसे हम ग्रिड लाइन के व्यू वाले ऑप्शन को अनचेक करेंगे तो देख रहा हूँ जो लाइन आ रही थी बॉक्स के अंदर नहीं आ रही, केवल जब हम सेल पे क्लिक कर रहे हैं तब लाइन आ रही है। वापिस जब हम यहाँ से ग्रिड व्यू को ऑन करेंगे तब हमको ग्रिड व्यू फिर से दिखने लग गई। तो यहाँ से हम ग्रिड व्यू को ओपन और चेक और अनचेक कर सकते हैं। सिर्फ उसके नीचे लिखा है प्रिंट, अगर हम प्रिंट वाले को भी चेक कर देंगे तो जो ग्रिड लाइन है यह हमारे प्रिंट एरिया में आने लगेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम, चूंकि यहाँ से अभी हम क्या करते हैं इस प्रिंट एरिया को यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, होम मेनू में हम गए, इसको हम बॉर्डर में गए और नो बॉर्डर कर देते हैं, तो यहाँ से जो बॉर्डर है इसकी हट जाएगी, राइट। अब हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं कुछ एरिया का, इतने एरिया का हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे, फाइल मेनू में आएंगे, प्रिंट पे आएंगे हम, या तो कंट्रोल पी करेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर वन पेज हमने दिया था तो यहाँ पर यह सिलेक्शन हम कर देते हैं इसको, जितना मैटर हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, देखिए हमने बताया पिछले वीडियो में, इसको सिलेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन नहीं आ रही है, कोई भी लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब हमें लाइन लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पेज लेआउट मेनू में आते हैं, इस बार ग्रिड लाइन को प्रिंट मोड में हम एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको चेक कर दिया, अब हम आपको दिखाते हैं प्रिंट। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा प्रिंट के अंदर, ये देखो प्रिंट के अंदर ग्रिड लाइन आने लगी ऑटोमेटिक, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उतने में ग्रिड लाइन आने लगी। तो यह प्रिंट, प्रिंट निकालते समय अगर हमें ग्रिड लाइन शो करनी है तो हम इसको ग्रिड लाइन को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। सेम ऐसे हेडिंग, अगर हेडिंग को हमें यहाँ पर व्यू करना है, हेडिंग का मतलब क्या फ्रेंड्स, जैसे ये जो है ना ए बी सी डी जो लिखा हुआ है ये हेडिंग है हमारे एक्सेल की, और जो 1 2 3 है हेडिंग है। तो चलो अगर हम व्यू को अनचेक करते हैं तो देखना ए बी सी डी और 1 2 3 गायब हो जाएगा, गायब हो गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी किस सेल के अंदर है। अब ऐसे अगर हम इसको चेक करेंगे तो वापिस ए बी सी डी और जो हमारा 1 2 3 था लाइन है ये वाली आ गई। फिर से देख लो, क्लिक किया हट गई लाइन, ए बी सी डी नहीं दिख रही है, वापिस से हम क्लिक करते हैं इसको तो आ गई। इसके बाद अगर हमें इसको प्रिंट में भी लाना है तो इसको हम प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर देंगे और प्रिंट निकालते समय हमें दिखने लगेगा, राइट। तो ये हुआ,
इसके बाद यहाँ से हमें एक रोटेट वाला ऑप्शन देखना है फ्रेंड्स, बस ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रोटेट करने का मतलब क्या है, अगर हम कोई इंसर्ट कर लेते हैं इमेज, ठीक है, तो हमने पिक्चर पे जाते हैं और हम एक इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं, राइट। तो चलो हम यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, और इसको अगर हमें करना है रोटेट तो हम पेज लेआउट मेनू में जा करके इसको बहुत ही आराम से रोटेट कर सकते हैं। देखो, रोटेट इट राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, वर्टिकल, फ्लिप ओरिजेंटल, तो ये सभी हम इसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ से, दैट्स इट। और इसके बाद अगर हमें दो तीन इमेज हैं, तीन चार इमेज है और हमें उसको ग्रुप बनाना है तो भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे देखो, इसको हमने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी करके इसको हमने रोटेट कर देते हैं ये इस एंगल में, और इसको भी हम रोटेट कर देते हैं इस एंगल में। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो अलग इमेज है, ये अलग इमेज है ना। अब इन दोनों को अगर हमें ग्रुप बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके पहले ये सेलेक्ट करो फिर इस पे क्लिक करो, तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। जब आप दोनों इमेज सेलेक्ट करोगे तभी ग्रुप वाला ऑप्शन शो करेगा। अब ग्रुप पे क्लिक करो, यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दो, ये बन जाएंगे दोनों ग्रुप। अब जहाँ कहीं भी हम लेके जाएंगे इसको सेलेक्ट करके, तो ये दोनों इमेज साथ में जाएगा, और छोटा बड़ा भी हम करेंगे अगर, तो ये दोनों इमेज साथ में छोटा बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं, ये देखो पर्टिकुलर दोनों इमेज साथ में हो रहा है छोटा बड़ा, क्योंकि उसको हमने पर्टिकुलर यहाँ से कर दिया था हमने, तो इसके लिए वो ज़्यादा छोटा हो गया है। ग्रुप वाले में करना है आपको, ये देखो, तो यहाँ से हम इमेज का ग्रुप बना सकते हैं, राइट। अब आपको समझ में आ गया पेज लेआउट मेनू के एटलीस्ट सब सभी ऑप्शन, दैट्स इट।